हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बारे में श्री में आपका स्वागत है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जानकारी क्या है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है, HSSC जॉब्स, जी हाँ, इसमें हम HSSC जॉब्स के बारे में बातें करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे किए हैं कि भाई हमने इतनी जॉब्स प्रदान कर दी हैं और इतनी जॉब हम आगे देने वाले हैं, लेकिन रियल में सच्चाई क्या है, कितनी जॉब दी है और कितनी दी जानी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, आप ये देख सकते हैं। देश में नौकरियों की रफ्तार बढ़ी पर 10 राज्यों में बेरोजगारी दर दोहरे अंक में। हरियाणा सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने नौकरियाँ दी हैं और टोटल नौकरियों की हम बात करें तो 10% देश में नौकरियों की जो रफ्तार है वो बढ़ी है, लेकिन हरियाणा में हालात क्या है ये मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में रियल में हालात क्या हैं, कितनी जॉब मिली है, जो सरकार दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड हरियाणा टॉप पर, नौकरी देने में टॉप पर नहीं है ये, यहाँ पर सबसे कम नौकरियाँ दी गई हैं उस चीज़ में ये टॉप पर है। जहाँ बेरोजगारी सबसे आगे है उसकी बात की जा रही है, दोनों में क्रमशः 22.3% और 19.7% रही बेरोजगारी दर। और अब यदि हरियाणा और उत्तराखंड भी हम कंपैरिजन करें तो हरियाणा टॉप पर है, हरियाणा सबसे आगे है बेरोजगारी में। और बेरोजगारी की कारण जो कारण है सितंबर में, तीन वजहों से बड़ी बेरोजगारी, ये अलग अलग तरीके यहाँ पर दिखाए गए हैं मनरेगा के, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यदि नौकरी देने की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे कम नौकरी दी गई है, जो हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, पारदर्शिता वो अलग चीज़ है। तो इस वीडियो में यही मैं आपको बताना चाहता था, अभी हरियाणा में जो बेरोजगारी है, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे आगे है। तो इस वीडियो में यही आपको जानकारी देनी थी। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।